हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू इन अवर संस्कृत सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 8 ममम दिनचर्या। ओके, इन अवर 8th स्टैंडर्ड ये हमारा लास्ट पार्ट है चैप्टर नंबर 8। ओके, माय डेली रूटीन कि मेरे रोज़ के दिन में मैं क्या क्या करता हूँ, क्या क्या करती हूँ, वो सब इसके अंदर बताया गया। एक छोटा सा इसमें एक स्टोरी भी है जो मैं आपको ट्रांसलेशन इन इंग्लिश में करके दिखाऊंगी। ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्लॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। तुमको संस्कृत में, जैसे कि हम तो हिंदी में बोलते हैं कि 8 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, तो उसे संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो वो चीज़ इसके अंदर बताएगी। तो मैंने यहाँ पर उनका मेंशन किया गया है कि जैसे कि 4 बजे है तो उसको बोलते हैं चतुर्वादनम, 8 और 15 हुई है उसका मतलब होता है सपाद अनुष्टा वादनम, फिर 3:30 बजे है इसका मतलब होता है सार्ध त्रिवादनम, 8:45 हो जाता है तो उसका होता है पादनम गोवादनम, फिर होता है 6, फिर 6 बज जाते हैं, तो उसका हर चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो आइए आज हम इसका आगे का चैप्टर जो है वो देख लेते हैं। आपको जो क्लॉक में मैंने जितने भी सब लिखा गया है यू शुड हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक। अहम प्रतिदिनम षड्वादने उजिष्ठामि, षड्वादनतः सार्ध षड्वादन पर्यन्तम् दन्तधावनम स्नानम च करोमि, सार्धदशवादनम सप्तवादन पर्यन्तम् योगासनम करोमि, तदनंतरम दुग्धम अल्पाहारम करोमि च। आई वेक अप एट 6 o'clock एवरी डे कि मैं 6 बजे मतलब रोज उठ जाता हूँ। फ्रॉम 6 o'clock to 6:30 आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ कि मैं 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मैं ब्रश करता हूँ और उसी टाइम में मैं नहा भी लेता हूँ। फ्रॉम 6:30 to 7 o'clock आई प्रैक्टिस योगासना कि मैं 6:30 से 7 बजे तक योगा करता हूँ। देन आई टेक अ मिल्क एंड हैव अ ब्रेकफास्ट और उसके बाद मैं दूध पीता हूँ और ब्रेकफास्ट करता हूँ। नाउ द सेकेंड स्टैंजा, मम माता गृह कार्य करोति अहम ता सहायम करोमि, नववादनतम दशावादन पर्यंतम अध्ययनम करोमि, सार्ध एकादशवादने भोजनम करोमि, सपाद दशवादने विद्यालयम गच्छामि, तत्र अहम विविधानम विषयान पठामि। माई मदर डज द हाउस होल्ड वर्क कि मेरी जो मम्मा है वो पूरा घर का काम कर लेती हैं। आई हेल्प हर और मैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ। फ्रॉम 9 o'clock to 10 o'clock आई स्टडी, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मीन्स 1 आवर मैं स्टडी करता हूँ। आई हैव लंच एट 11:30, आई गो टू स्कूल एट 12:15, आई स्टडी वेरियस सब्जेक्ट देयर कि मैं 11:30 बजे स्कूल जाता हूँ और स्कूल पहुँचता हूँ 12:15 को मीन्स 12:15 को, और वहाँ पर मैं अलग अलग सब्जेक्ट, वहाँ पे अलग अलग तरह के सब्जेक्ट मुझे पढ़ाए जाते हैं। नाउ द थर्ड स्टैंजा, सायं षड्वादने अहम गृहम आगच्छामि, सपाद षड्वादनतः सपाद सप्तवादनम पर्यन्तम् अहम क्रीडामि, तदनंतरम अहम सायं प्रार्थना करोमि, सप्तवादनतः सार्ध अष्टवादनतः पर्यंत पुस्तक पठामि, सार्ध अष्टवादने भोजनम करोमि, नववादनतः सार्धनववादन पर्यन्तम् दूरदर्शनम पश्यामि, साधनम ववावादनतम 10 वादन पर्यन्तम जनन्या तातेन च सह वार्तालाप करोमि, 10 वादने शयनम करोमि। नाउ आई एम कम होम एट 6 o'clock इन द इवनिंग कि मैं शाम के 6 बजे अपने घर लौट जाता हूँ। आई प्ले फ्रॉम 6:15 to 7:15, आफ्टर दैट आई से द इवनिंग प्रेयर कि फिर उसके बाद मैं खेलने चला जाता हूँ 6:15 से लेके 7:15 तक, और जब मैं घर पे आ जाता हूँ तो मेरी शाम की जो प्रेयर होती है वो मैं करना स्टार्ट कर देता हूँ। आई रीड अ बुक फ्रॉम 7:30 to 8:30 कि मैं 7:30 से लेके 8:30 बजे तक का मैं रीड बुक को जो है वो रीड करता हूँ। आई हैव अ डिनर एट 8:30, 8:30 बजे में खाना खा लेता हूँ। आई वॉच टेलीविज़न कि मैं टीवी देखता हूँ प्रोग्राम, टेलीविज़न प्रोग्राम फॉर 9 o'clock to 9:30, फ्रॉम 9:30 to 10 o'clock। अब इसमें क्या बताया गया है कि वो 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक का वो क्या करता है, टीवी में जो भी प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं वो देखते हैं। आई चिट चैट टॉक विथ माई मदर एंड फादर, आई गो टू बी स्लीप एट 10 o'clock क्योंकि वो क्या करते हैं कि उसके जो मम्मी और जो पापा होते हैं उनके साथ थोड़ा बहुत वो बातें करता है और बाद में वो 10 बजे के आसपास सो जाता है। आई होप कि जो ये चैप्टर था आपका, आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।